नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक हम विजयनगर का इंट्रो ले चुके हैं, अभी तक हमें पता लग गया विजयनगर एक क्या था। भैया सुनाई नहीं दे रहा। विजयनगर एक क्या था? साम्राज्य। क्या था? साम्राज्य। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में। कहाँ पे हुई थी? किनारे साउथ इंडिया के रीजन में। ठीक है, साउथ इंडिया, इंडिया के रीजन में यहाँ पे लगभग क्या हुई थी? विजयनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1336 में। और किन्होंने करी थी? हरिहर और दो लोग, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और इंट्रो ले चुके हैं और जान चुके हैं कि समाज क्या, साम्राज्य क्या होता है। थोड़ा थोड़ा तो पता लगे क्या होगा, मैं ऐसा करता हूँ। चलो, माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो क्या लाइन का मतलब समझ आया? इस साम्राज्य के अंदर ना कई भाषा को बोलने वाले लोग थे। मैंने पहले बता दिया साम्राज्य है, कई सारी जगह को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे लोग है। समझ आ रहा है? तो बहुत सारी जगह को मिलाया गया तो अलग अलग जगह की होगी ना, अलग अलग लोग होंगे ना, अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग संस्कृति होगी, और उसको पूरे को एक करके क्या बनाया गया? कौन सा साम्राज्य? विजयनगर शासकों ने अपने उत्तरी सीमाओं पर दक्कन के सुल्तानों, विजयनगर की उत्तरी सीमा कहाँ होगी? अच्छा, उत्तरी सीमा कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो उत्तरी सीमा यहाँ पक्का है? विजयनगर यहाँ मुकर के खड़ा होगा। दिमाग ज्यादा होता है जिसमें उत्तरी सीमा यहाँ बता देगा। मतलब ये हम हो सकती है, ऐसे देख रहा हुआ तो सोचो, ऐसे करके नक्शा रख दिया तो दिमाग लगाते हैं। ठीक है, विजयनगर शासकों ने अपनी उत्तरी सीमा पर दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ संघर्ष किया। इस एरिया से क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था विजयनगर। ठीक है, यहाँ उड़ीसा पड़ता है ना, और यहाँ दक्कन, यहाँ के सुल्तानों के साथ क्या चल रहा था? अच्छा सुनो, ये तो बताया था ना कल तुम्हें, उड़ीसा क्या था? क्या बताया था? ये गाना गाया था युद्ध में, करूंगा गंदी बात। इसके बाद पता लगा था कि गाने बैन हो, योगी की सरकार आती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब एक मध्य एशिया से उत्तम घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण था। हाँ, एक बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो, अब फिर दोबारा से यहाँ की बात करूंगा, बोलोगे भैया बिरादे यहीं पे, यहीं पे आ जाते हो आप। ये अरब वाला रीजन है। ठीक है, क्या ये जहाँ पे ईरान, इराक के सारे देश है। अब इसमें बता रहे विजयनगर से ना वहाँ के भी संबंध थे मध्य एशिया, मतलब अरब कंट्रीज से। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या होता था, उत्तम नस्ल के घोड़े लाए जाते थे युद्धों के लिए। अब बताओ कि अरब से क्यों लाते थे उत्तम नस्ल के घोड़े? वहाँ के घोड़े अरब के लोग देखे हैं। देखे अभी कोई छोटा देखा है अरब? छोटा अधिकतर तुम्हें लंबे लंबे दिखेंगे, लंबे हाई फाई, मतलब बड़े बुद्धि नहीं होगी लेकिन एकदम लंबे चौड़े होंगे, है ना? नहीं, अरे अरब का खाली मतलब अरब के लोग जैसे आला बीबी, आला बीबी। ठीक है, मैं ये जानती तो अरब के लोग लंबी होती। ठीक है, तो लंबी लोग देखी ना, देखिए अरब के लोग लंबी होती। थोड़े यहाँ से लंबे होने की रीजन होती वो मांस खाती, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वहाँ क्या, वहाँ की, वहाँ का है ना नेचर ही ऐसा है। ठीक है, वहाँ के लोगों को वो क्या था, शुरुआत से युद्ध कर रहे हैं ना, और घोड़े वोड़े पे घूमते रहे। घोड़े पे जो बैठता है वो वैसे ही लंबा होता है। नहीं, भारत में देखा है कि भारत में कहाँ देखे तुमने घोड़े? घोड़े अरब में चले जाते हैं, जैसे कुत्ते घूमते हैं ना, वहाँ घोड़े घूम रहे होंगे। शादी वाले तुम देखते हो ना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अरब में क्या दिखते हैं अधिकतर? घोड़े। घोड़े क्यों? क्योंकि अरब में होते हैं, भारत में नहीं दिखेंगे तुम्हें घोड़े, क्योंकि भारत में सब गधे हैं। मजाक में बोला हूँ। क्यों? क्योंकि भारत के रीजन में ना बंदे छोटे ही हैं। अब तुम लॉजिक देखो ना, जैसे कि कोई वॉलीबॉल खेलने वाले के भी छोटे बच्चे देखे, बास्केटबॉल, सॉरी वॉलीबॉल बोल रहा हूँ, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले देखिए कभी छोटी नहीं देखे ना, जो बास्केट मारते उछाल के मारते ना, कितने लंबे लंबे होते हैं, ताड़ के पेड़ जैसे। यहाँ से देखो वाले हमका गूगल से उससे बात करना पड़ता, माइक से इधर देखो नीचे, हाँ इतने लंबे होते हैं कभी कभी। वो अफ्रीका के बंदे एकदम सीधा बोलते हैं ना, बास्केट भी एमपीए दर्द होता है। बुरी बात सुनो, तो घोड़े कहाँ से पकाए जाते थे? अरब और, अरब या मध्य एशिया से। ये एशिया का दक्षिणी भाग पड़ता है और ये मध्य एशिया पड़ता है। ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा समझो, ठीक है?
यहाँ पे अगर भारत है ना, भारत क्या आता है, थोड़ा मध्य एशिया से थोड़ा सा हल्का सा नीचे आता है, और दक्षिण एशिया में म्यांमार थाईलैंड नाम सुना है क्या, घूमने का जाने का मन उधर थाईलैंड जावांगे आइसक्रीम खावांगे ऐसा तो करने लगा। और मध्य एशिया में क्या आता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान फिर ईरान इराक और तजाकिस्तान तुर्किस्तान उज्बेकिस्तान ये स्थान वो स्थान पुस्तान मैस्तान। देखो 1498 में ईसा में पुर्तगाली व्यापारी उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, हमारे उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आए। पश्चिम का तट कहाँ पे होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होती है, इधर होती है। देखो तो अरब से व्यापारी आती कहाँ आती, यहाँ आती। पश्चिम का तट ये है, पूरब का तट ये है, दक्षिणी दक्षिण ये है, उत्तर ये है भारत का, ठीक है। तो कौन आती, पुर्तगाली, किसकी गाली, पुर्तगाली, ठीक है। आती है 1498 में आती, इसका नाम होती वास्को डी गामा होती। गोवा जाती है, हर जगह वास्को डी गामा देखती। गोवा जाओगे ना, हर जगह तुम्हें दिखेगा वास्को डी गामा सड़क, वास्को डी गामा होटल, आइए वास्को डी गामा बच्चों का पैलेस, आइए वास्को डी गामा वाटरफॉल, वास्को डी गामा पार्क, क्योंकि गोवा में सबसे पहले वही आया था ना वास्को डी गामा, मतलब वो आया था घूमते घूमते आ रहे थे। सुना नहीं है बचपन में कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, बहुत गलत बोला, भारत तो पहले से था, वो तो गलती से पहुंच गया था, उसने बोला भारत इधर से भी आ सकते हैं, यहाँ से आने रहते, तुमने देखा नहीं समुद्री रास्ते की खोज की। हाँ अब तुम कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, अगर भारत की खोज इसने अब 1498 में की होती तो 322 में जो सिकंदर था इससे कितने साल पहले, 1400 यहाँ पे, और यहाँ से 1700 साल पहले जो सिकंदर आया था वो कैसे आकर था यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके खड़ा हो रखा था, अगर उसे रास्ता तो उन्हें ही पता था, लेकिन ये समुद्र से आ गया था, तब तो नाव ही नहीं थी, तैरते थे मगरमच्छ को पकड़ा, भाई जरा बैठा उसके ऊपर कान है मगरमच्छ की, आग उंगली मारी तेज चल ऐसे चला देने पहले मगरमच्छ की नाव बनी, समझ आ रहा है। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना वास्को डी गामा ने भारत की खोज, तो जो बोले पहले तो मैडम को चाटा मारना, मतलब वास्को डी गामा तो एक बालक था, उसकी क्या होगा भारत की खोज, भारत तो कब से नक्शे में है ऐसा थोड़ी बोला जाता है, मैंने भी पढ़ा है वास्को डी गामा ने भारत की खोज, समुद्री रास्ते में, अबे भाई नंबरों के लिए पढ़ोगे तो चले जाएगी जिंदगी, क्या उगाड़ लोगे, मैंने क्या उगाड़ लिया है, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। वास्को डी गामा लिखना, एक्सप्लेन करके लिखना, एमसीक्यू आ गया, ये एमसीक्यू आएगा तो टिक लगाना पड़ेगा ना, नंबर नहीं जाना तो लगा देना टिक, बाकी लिखने का आया तो लिख के आना, बकायदा समझा के आना, तुम अपने भारत की इज्जत एक नंबर पे कुर्बान करना चाहते हो, मतलब वास्को डी गामा कल का पैदा हुआ, डायपर पहनने वाला बच्चा, ठीक है। तो 1498 में वास्को डी गामा आया, कहाँ का था, पुर्तगाली, पुर्तगाल से जब आया उसने कहा बाबा उड़ी बाबा इतने सारे मसाले, काली मिर्च गोरी मिर्च हरी मिर्च गोरी काली नीली पीली सब कुछ मिल रही है, ठीक है। तो वास्को डी गामा खुश हुआ, भक्ति हुई, अंकल यहाँ तो सामान मिलता है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे बताया। तो वास्को डी गामा जब आता था ना दिल दिल सामान लेके, तो बीच में क्या पड़ता था, बीच में और देश पड़ते थे, जब वास्को डी गामा आता था बोरे में सामान भर के सस्ते में ले जाता था, ठीक है, जैसे अपने यहाँ बोले भैया कहाँ सारे कबाड़ी वाला हूँ मैं, दूसरे देश वालों को बोलते थे ऐसे, ब्रिटेन वालों ने तीन बार चार बार पूछा, हर बार बोले कबाड़ी वाला, मैं बोले इतना कबाड़ा कहाँ से मिला है, एक दिन मार के मारा पकड़ा, बोले उसकी में तो सामान निकला है, क्या चाय निकली, मतलब चाय पत्ती और मसाले निकले, बोले इतना सस्ता सामान लाए, जेब में से तो 10 रुपए ले जाता है, एक बीड़ी ना है पूरी गोल्ड ब्लैक की, और तू वहां से इतना सामान लाता है, सामान सस्ता था ना भारत में, ऑडियो के दाम मिलता था, पासपोर्ट को पकड़ लिया, इधर आ जाए बताया कि भैया भैया वहां पे सस्ता सामान मिलता है, हम तो वहां से ला रहे, तो फिर ब्रिटेन वालों को पता लग गया, फ्रेंच वालों को पता लग गया, और भी लोगों को पता लगना, ऐसे ही भारत में लोग है, समझ आ रहा है क्यों है भारत में, हाँ डच पुर्तगाली स्पेनिश फ्रेंच और आगे आगे तो बहुत सारे हैं, तो सारा विश्व आता है वहाँ, आया ताजमहल देखने चलो जाओ, 1498 ईसा से पुर्तगाली व्यापारी उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे आए यहाँ पे, और कहाँ पे आया था वो, कालीकट आया था, कहाँ पे आया था, कालीकट, केरल को कालीकट बोला जाता, केरल में नीचे, केरल में कालीकट नीचे का तट को पूरे कालीकट बोला जाता था, अब उसे बांट दिया गया, पहले कालीकट बहुत बड़ा था अंग्रेजों के टाइम, सुनो अभी इनकी बात क्यों कर रहे हैं, विजयनगर में कुछ दिमाग लग रहा है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अंग्रेज थे ना, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास है ना मेन अंग्रेजों पे फोकस रहता है, जो मॉडर्न इंडिया है जिसमें अंग्रेजों का सारा काम है, सामाना नियम कानून सब अंग्रेजों का है, इसलिए हम देख रहे हैं विजयनगर के टाइम पे अंग्रेज भी थे, ठीक है, मतलब सारे विदेशी लोग भी आते, ठीक है। तो पुर्तगाली आ चुके हैं, वे बंदूकों का बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे, और पुर्तगाली, समझ आया, विजयनगर अपने मसालों वस्त्रों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था, विजयनगर नाम है तो कुछ तो बातचीत होगी, कोई भी राज्य के पास कुछ तो होना चाहिए, चाहे खनिज हो चाहे सेना हो, है ना, चाहे उद्योग हो, कुछ तो होना चाहिए, तभी तो देश आगे निकलेगा। अब ईरान के पास कुछ नहीं है लेकिन तेल है, भर भर के बेच बेच के मजे ले रहे हैं, तेल खत्म हो जाएगा जिस दिन वहां भीख मांगने लग जाएंगे, फिर वो भी अफगानिस्तान बन जाएगा, तालिबानी वाला कब्जा हो जाएगा वहां पे भी,
विजयनगर अपने मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे शहरों के लिए व्यापार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। और यही माना जाता है जैसे कि हम किसी भी शहर की बात करते हैं तो दो तीन चीजों को याद करते हैं कि उस शहर में बाजारें कितनी है। कभी भी दिल्ली का नाम आएगा तो हम बाजार को इमेजिन करते हैं मन में, हाँ दिल्ली मतलब बाजार, लोग घूम रहे हैं, घूमने जा रहे हैं जगह जगह पे और वहाँ पे खाने पीने की चीजें, ये तो दिमाग में आता है ना, क्योंकि यही लोगों को आकर्षित करता है। तो विजयनगर में भी बाजार क्या थे, लुभावने थे, ये लिखने में आएगा, ठीक है। अरे देख के आकर्षित करने वाले बोरे पिया कभी थे। यहाँ की धनी जनता में महंगी वस्तुओं की काफी मांग थी। ऑल्सो दे आर ऑल्सो रिच पीपल, है ना, विजयनगर इतना पावरफुल था तो रिच पीपल भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, हर राज्य में अमीर गरीब होता है। पर ये कोई किसी राज्य में गरीब ज्यादा है, किसी में अमीर ज्यादा है, किसी किसी में अमीर 1% है, गरीब नहीं ज्यादा है। भाई सवाल पूछते रहो ना, कुछ ना कुछ तभी तो दिमाग चलेगा। गाली दे रहा है। विजयनगर का पहला, सुनो, विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश कहलाता था, ठीक है। विजयनगर का पहला राजवंश संगम वंश था, ठीक है। इसके अंदर कई सारे वंश आ गए, तो पहला क्या है, संगम, याद करते रहना, संगम वंश, पहला संगम वंश, ठीक है। फिर तो लुप्त शुरू आएगा आगे। पहला संगम वंश था, इस वंश ने 1485 में तक शासन किया। कब तक शासन किया इसने, 1485 तक, 1485 तक, मतलब वासुकी का वंश पहले चले गए, ठीक है। और उन्हें सुलुगों ने उखाड़ फेंका। इसके बाद कौन आए, सुलुग, संगम के बाद सुलुग, सुलुग वंश, इसके बाद आएगा तुलुग वंश। अब बोले नाम कैसे है, तो भैया आप जिनने रखे उनसे पूछो कैसे, ऐसा कौन सा भाई है जो 300 साल तक इंतजार करेगा अपने भाई को मरने का। ये वंश है, भाई थोड़ी है, वंश है, ये राज्य था पूरा, इसको खत्म करा किसी ने बंदे ने, उसने अपने सरनेम से सुलुक चालू करा, फिर उसको जिंदा खत्म करा, उसने अपने से सुलुक चालू करा, उसको सुलुक वंश नहीं लगा। जैसे इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर आया था, उसने मुगल वंश की स्थापना की, और उससे पहले लोधी वंश चलता था इब्राहिम लोधी का। लॉजिक समझा करो ना इस चीज के पीछे, और क्वेश्चन भी करा करो, भूतों की तरह बैठे भाई। उन्हें सुलुगों ने उखाड़ फेंका। इसके बाद तुलुग वंश ने उनका स्थान लिया। कृष्ण देव राय तुलुग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन से वंश का, तुलुग। तो जो कृष्ण देव राय थे, कौन, याद रखना, कृष्ण देव राय, यही वो बंदा है जिसकी वजह से पूरा विजयनगर पढ़ना पड़ रहा, इसी की वजह से अंग्रेज भी शांत बैठे रहते थे, इसी की वजह से व्यापार बढ़ा था, और इसी के टाइम पे विजयनगर ने सबसे ज्यादा हाथ फैलाए थे, मतलब इधर से भी कब्जा कर लो। हाँ वो तो बहुत लंबे टाइम के लिखा तेनालीराम, कृष्ण देव राय। तेनाली रामा की कहानी तो सुनी होगी तुम लोगों ने, नाम तो सुना ही होगा तेनाली रामा, है ना, वो किसी के साम्राज्य में था और उसका नाम बहुत हुआ था कृष्ण देव राय के टाइम, ठीक है। तुलुग वंश, पहले संगम, फिर सुलुग, फिर तुलुग, संगम सुलुग तुलुग, कितना बढ़िया, संगम सुलुग तुलुग, संगम सुलुग तुलुग, तुलुग सुलुग संगम, सही नहीं, याद करते हैं सही, सलम संगम सुलुग तुलुग सुलुग संगम संगम सलम, आ रहे हो बोलोगे तभी तो याद होगा। मैं तो मम्मी के पेट से सीख के आया था संगम सुलुग सुलुग, कृष्ण देव राय के शासन की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। जो अभी लाइन मैंने बताई कृष्ण देव राय की, बहुत बढ़िया बात क्या थी जिसकी वजह से फेमस था, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। विस्तार करना मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा था। जब वो विजयनगर बना, मैंने क्या बताया, नदी के किनारे पे दो लड़कों ने विजयनगर बना विजयनगर बना दिया, वो फैला और 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 फैला, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए, हम भी नहीं है, रिपोर्ट भी खत्म होगा, चार तू खत्म तो सात जन लड़के के लिए विचार बोले तो मालूम है, विचार विचार हमेशा के लिए होते हैं ना, अगर कर्म भी होते हैं, कर्म गांधी जी ने कर्म करे वो उनका है नहीं, कर्म करेगा विचार है वो, कर्म भी होते भैया। तो गांधी जी के कर्म से हमेशा मतलब गांधी जी ले गए अपने कर्म, हाँ हाँ सब बंदे अपने कर्म अपने साथ, गांधी जी के विचार है ये पढ़ते ना अहिंसा परमो धर्म, है ना, ये विचार है ना गांधी जी का, तुम इसको कुछ भी ना बोल, लेकिन ठीक है तुम्हारे लॉजिक दिमाग तो लगा लेना अच्छी बात। सुनो कृष्ण देव राय की नीति क्या, एक बहुत प्यारी कि उनको विस्तार पसंद था, और इस वंश के बढ़ने का भी कारण था कि जो राजा थे ने लगातार विस्तार कर, और दूसरा सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का मतलब जानते हो, एक राजा है कब्जा करने जा रहा है, कब्जा कर रहा है, तुम पे भी कब्जा करा मार दिया, तुम पे भी कब्जा करा मार दिया, जहां जा रहा है कब्जा कर रहा है, लेकिन वहां की जनता का ख्याल नहीं रख रहा है, जिस भी राज्य में गया जीत लिया, लोगों को मार दिया, रोन दिया, लूट लिया, सब कुछ छोड़ दिया उनको, ऐसे कृष्ण देव राय ऐसा नहीं करते थे। कोई भी राज्य तभी चल सकता है अगर तुम किसी पे कब्जा भी कर रहे हो ना, कब्जा कितना भी कर लो लेकिन वो राज्य कभी भी नहीं फल फूल पाएगा, ना तुम फल फूल पाओगे जब तक जनता से तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। अकबर को लोग क्यों मानते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके चलता था,
बताएंगे अकबर के बारे में, लेकिन औरंगजेब नहीं जीत पाया जबकि सबसे ज्यादा पावर थी, सीधे गला कटवा दिया था, पांचवे गुरु को फांसी दी थी उन्होंने, क्यों नहीं टिक पाया, इसीलिए नहीं टिक पाया, क्यों, क्योंकि अगर तुम लोगों से जबरदस्ती करोगे ना, लोगों की जान ले सकते हो, उनका उनका मान नहीं ले सकते ना, भैया मैं तुमसे जबरदस्ती कुछ करवा लूंगी, लेकिन तुम मैं अच्छी चीजें नहीं करवा पाऊंगा ना, मैं बहुत सारी चीजें करवा सकता हूँ जबरदस्ती, सब कुछ नहीं करवा सकता ना। तो ऐसे ही पहले राज्यों में भी होता था कि बहुत सारी चीजें जीत लेते थे लेकिन सब कुछ नहीं हो पाता था। अब तुमसे सोना ले लूंगा, चांदी ले लूंगा, लेकिन तुमसे अच्छे अच्छे काम नहीं करवा पाऊंगा ना। अच्छे काम तो तुम तभी करोगे ना मेरे, जब तुम्हारा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मित्र वाला रिश्ता होगा, राजा का एकदम परफेक्ट वाला रिश्ता। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा उसको बनाना भी कि अब जगह नहीं मिली है तो उसको बना दो, ऐसे नहीं जंगल की तरह खाली छोड़ दिया, कोई कल को कोई और कब्जा कर लेगा। समझ आ रहा है, कृष्ण देव राय, कृष्ण देव को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरम के निर्माण का श्रेय प्रदान है। उसने अपनी माँ के नाम पे विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर भी बसाया। तो विजयनगर के पास में उसने कौन सा नगर बनाया? नगर। उपनगर नाम है ना इसका? नहीं, नगरपुरम नाम है। अरे माँ का नाम कहाँ से आ गया? नगरपुरम नाम का एक उपनगर बताया, कौन सा? नगरपुरम। कौन सा? नगरपुरम। इन्होंने बसाया, किसने? विजयनगर के शासक किसने? कृष्ण देव राय। ऐसे थोड़ी बंदे का नाम तुम ढूंढ लो जो अच्छा करेगा। कृष्ण देव राय पता नहीं भाई, अब उसकी माता के नाम पे रखा, कुछ लोग मैच कर रहा होगा। पूरम होगा, नगरमती हो सकता है, नगरमती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और विजय और क्या, किस लिए फेमस है कि इन्होंने गोपुरम बनाया? गोपुरम पता क्या होते, क्या होते होंगे गोपुरम? नाम से पता लग रहा है क्या? नहीं, नाम से सुनके बोला तो क्या करिए, बहुत प्यारे जाते थे। तीन बार तलाश कर लिया, मैं किस लिए हंस रही थी? बहुत दिल होता था हंसने की वजह से लोगों के घर पर बात ऐसे। सुनो क्या होता था कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मंदिर है ना, अब बोलना वो मस्जिद बना दिया, मंदिर बना रहा हूँ, कैसे भी बंदा है, कोई दिक्कत नहीं, झगड़े झगड़े नहीं होंगे। यहाँ अगल बगल दुकान है, मैंने पहले बता रखा है कि इतिहास में जितने मंदिरों के बारे में पढ़ोगे उनके अगल बगल दुकान हमारे यहाँ भी तो होते हैं। मंदिर के बाहर एकदम पुण्य तक दुकान होती है, यहाँ तक आ रहा था लड्डू ले लो जी। राम जन्मभूमि गए हो तुम में से कोई? राम जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ पे हनुमान गढ़ी है, कभी गया कोई? गया हनुमान गढ़ी, हनुमान जी के मंदिर में गया है? उसके बगल में मार्केट देखिए, मैंने न्यूज़ में देखी है, सैकड़ों मार्केट है वहाँ पे लड्डू बेचने की, एक ही तरह का लड्डू बेच रहे हैं वही लड्डू, लेकिन सैकड़ों बंद है, सैकड़ों बंद। हनुमान जी का मंदिर सेंटर में बना रखा है, इधर 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 से जानकी महल, मतलब रामलला झूला, यहाँ पे हनुमान जी का महल, मतलब अलग अलग बहुत सारे मंदिर, वहाँ बाजार ही बाजार, बाजार ही बाजार। अभी तो बन रहा है, अभी तो जाने के लिए मना कर रखा है, बहुत बड़ी बड़ी। अभी तो मैं हो गया, मेरी चाची खत्म हुई थी ना तो मैं घूमने चला गया था, बीच में तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, सामने फोटो खिंचवाई थी अपनी, मैंने भी वाली ना, और मैंने कमेंट भी करा था अपने साम्राज्य में, तो वही बता रहा हूँ, कभी जाओ ना तब देखना। अभी तो बंद कर रखा है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी है, जैसे बिल्डिंग बनती है ना वैसे, पूरा बंद कर रखा है, दूर से दिख जाएगा, लेकिन तुम्हें 2 किलोमीटर दूर से भी दिख जाएगा राम मंदिर बनता है। अभी बन रहा है क्या? बना ही नहीं अभी तक। वो 2 मंजिल का मकान नहीं बनना है, राम मंदिर बनना है वो। हाँ पता, बहुत बड़ा बनना है, बनते अभी साल लगेंगे, और तुम्हें जाना भी अलाउड कर देंगे, लेकिन बनी रहा होगा तभी। क्या राम मंदिर बना? योगी बनवा रहा है, योगी तुम जानते ही हो। उद्घाटन तो मोदी काम कर रहा है, एक तो मंदिर बनाने का और एक तो नाम बदलने का काम कर रहा है, बुलडोजर और बुलडोजर भी चला रहा है ना। हैदराबाद को हैदराबाद का नाम बदल के क्या रखा है? लहर वाला चाटा मारूंगा। हैदराबाद का नाम क्या रखा बताना? बड़े पढ़ रहे हो, 12th में आ गए हो, अब बोलोगे तुम्हारे सिलेबस का क्या, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बेइज्जती कर देंगे 12th में आ गए हो, बोलेंगे बेटा कौन पढ़ा रहे तुम्हें, केजरीवाल को पहले पकड़ के मारेंगे, तेरी शिक्षा व्यवस्था का यार। अयोध्या कैंट, और अयोध्या धाम, जब तुम जाओगे ना वो फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरोगे, पहले फैजाबाद कैंट बोलते थे, अब उसका नाम अयोध्या कैंट हो गया, और राम जन्मभूमि जाओगे तो अयोध्या धाम आ जाएगा, बस स्टैंड का एयरपोर्ट भी बनने वाला है। अब 4-5 साल के अंदर अंदर पता है सबसे ज्यादा टूरिस्ट अयोध्या आने वाले होंगे, लाखों करोड़ों का बिजनेस, पैसा ही पैसा होगा। हमारी बहुत जमीन है नदी के किनारे, लेकिन निकलवाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। साहिबों में ना वो जमीन भी आ रही है पता है,
जो बन रहा है वहाँ पे एक हाईवे भी तो बन रहा है। सरजू नदी सुनिए, सरयू नदी भाई, इस बार तो मैं क्या, मेरे फेफड़े हिल गए भाई। पानी जो चल रहा है बहुत तेज चल रहा था पानी, मैं तो ये सोचो ये यहाँ पे तट है ना, तो यहाँ पे कुएं लगी हुई थी डंडिया, डंडे भी लगा रखी थी टूटी फूटी, मैं भाई इतने में नहा था यहाँ से तट के यहाँ पे बस, और आगे नहीं जाना, और नदी इतने में पूरे में बह रही थी, मैं यहाँ पे नहा रहा था, पानी देख के पता लग रहा था यूं बह रहा स्पीड में, देख के पता लग रहा था मैं यहाँ यहाँ कूदूंगा तो दिखूंगा पता नहीं कहाँ दिखूंगा, बस देख के डर लग रहा था, मैं यही नहाया यहाँ, बहुत मजा आया था, तभी जाओ अच्छा लगेगा नहाने में, तो मजा आ जाएगा जाना। गोपुरम के बारे में बता रहा था ना, देखो ये मंदिर, मैं तो युद्ध पहुंच गया था यहाँ से, अब ये मंदिर है ना, मंदिर के बाहर रास्ता बनाया होता था, साउथ के मंदिर देखे होंगे, अच्छी नोटिस की होगी ऐसे करके ना, जब मेन गेट होता मंदिर से किलोमीटर पर बहुत बड़ा होता है गोपुरम, पता क्या होता है ऐसे करके यू बना होता है, इसके ऊपर यू बना होता है, यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां बनी होती है साउथ की मूवियों में देखा होगा तुमने, और यहाँ छोटा सा गेट होता है, इसको क्या बोला जाता है पता है, गोपुरम, गोपुरम ये देख रहा है भाई, पता चल लग रहा है क्या, इसको गोपुरम बोला जाता है, मंदिरों के लिए बनाएंगे गोपुरम, गोपुरम यहाँ देख लो क्या बना, गूगल कुछ नहीं, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, सुनो ये क्या गोपुरम, अभी केक मत समझना, हमसे बोले केक ही बना, क्या पता है साउथ में ही मंदिरों मिलेगा, ये यूपी के मंदिरों में तुम्हें गोपुरम नहीं मिलेगा, ये साउथ का कल्चर, कभी भी देखना कोई भी मूवी देखना उसमें ऐसे करके बिल्डिंग बनी होती है, पतली सी होती है केवल, और उसके अंदर कुछ नहीं होता, केवल वो आने जाने के बीच में रास्ता होता है, और बहुत ऊंची सी बिल्डिंग होती है, एक के ऊपर एक करके रखा होता है, तभी तो केक के डिजाइन कहां से स्टार्ट हुए है ना, वो देखो दिखे सबको दिखा गोपुरम, उनको दिखा, समझ आ रहा है साउथ के मंदिरों में, ये साउथ में बहुत सारी जगह है, विजयनगर में भी बहुत सारी, अभी भी होगा क्या, अभी भी है होगा क्या, और ये क्यों बनाए जाते हैं पता है, मैं तुमसे ओए चुप हो जाओ, नंबर लाने हैं तो गौर से सुनो, इसकी चोरी नहीं करवानी तो जाग जाओ, बोलता नहीं चौकीदार तो मेरी बात सुनो, ये गोपुरम बनाए क्यों जाते होंगे, यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, धूप में रखने के लिए, धूप में रखने के लिए, अरे रुक जा भाई तू तो सब कुछ ही बता दे भाई, रुक जा मुझे बता तू, हाँ भाई क्यों बनाए जाते थे गोपुरम, अब उसकी लाइन मत बोल दे, बता रहे भाई ये अपना यूनिक कल्चर दिखाने के लिए, और बताओ अब उसमें क्यों पढ़ रहे हो, अपने से तुक्का मार लो, ये मैं साइंस में पूछ रहा हूँ कि अमीबा में विखंडन होता है या द्विविखंडन, ये हम दिल से साथ लेते हैं फेफड़ों से, ये तो तुम एक लाइन फालतू बता दोगे तब भी गलत नहीं होगा, साइंस करना थोड़ी है तो गलत नहीं हो सकता, साइंस तो सबसे गलत चीज है, सबसे गलत चीज पता है क्या दुनिया में, साइंस है, हर बंदा आता है अपना लॉ दे जाता है फिर पुराने वाले लॉ को हम भूल जाते हैं, न्यूटन का पहला लॉ दूसरा लॉ तीसरा लॉ, और वो देखा है मंडल की आवर्त सारणी, पहले बंदा आया कुछ बता गया, दूसरा बंदा कुछ, तीसरा बंदा कुछ, चौथा बंदा कुछ, सबसे अलग पहले बंदे ने एक एलिमेंट ढूंढा, दूसरे ने तीसरा चौथा 118 ढूंढ ली, बोले अभी इसने कोई और आ जाएगा सब दूसरा बता देगा, चल को किसी ने कोई नियम बता दिया, बोले ये पुराने वाले भूल जाओ, साइंस तो सबसे वो चीज है बस मजेदार है लेकिन सबसे झूठी चीज है, क्योंकि साइंस जब तक है ना कोई नई चीज नहीं मिलती तब तक उसमें भरोसा करता है, अभी तक तो कोरोना कुछ था ही नहीं, कोरोना आ गया लोग साइंस में नई चीज आ गई, साइंस ने तो मजाक बना दिया है, इतिहास बेचारा एक बार बदलता नहीं, इतिहास तो जो हो गया है हो गया, साइंस ने तो मजे ले रखे, कल तक नियम ये था मेंडेलीव की नई आवर्त सारणी आ गई, सुनो पढ़िए ना दसवीं में, तीन चार आवर्त सारणी थी ना, तुम्हारे तो जिंदगी तेरे सिलेबस में कुछ नहीं आएगा, आगे भी देखियो तेरे सिलेबस से सब बाहर रहेगा, देखो तो पढ़ भी नहीं पाएगा, सुनो भाई तो एक गोपुरम क्यों बनाए जाते थे, एक तो अपनी संस्कृति का प्रतीक था, और राजा लोग बनाते थे, क्यों बनाते थे कि है ना, जिस राजा का गोपुरम जितना ऊंचा सोचो, जिसके राज्य में गोपुरम दूर से दिख रहा हो, भाई सुरेश के गांव का गोपुरम है देख रहे हो, देखो रमेश के गांव का गोपुरम, ऐसा होता नहीं, रावण देखो हमारे मेले में, देखो रावण, ये रावण एकदम 11 सर बना लिए 10 की जगह, हमारे रावण की तो बैठक में बंदूक भी थी, बोलते नहीं लोग हमारे यहाँ, हमारे स्कूल चार बिल्डिंग पांचे वाले से कूदने के लिए बना रखा है, नीचे स्विमिंग पूल है, सब अपनी अपनी बढ़ाई करते थे, तो राजा लोग भी अपनी पावर के लिए, क्योंकि उस समय पावर के लिए गूगल पे आईडी तो बनाने के लिए कुछ था नहीं, कि फेसबुक पे फोटो अपलोड करते कि जिसकी ज्यादा लाइक है वो ज्यादा राजा, वो अच्छा राजा, ये जिसकी रील पे ज्यादा लोगों ने कमेंट करे वो अच्छा राजा, ऐसा तो था नहीं, तो इन बंदों के लिए यही था कि अपने क्या करते सेना बड़ी रख ले, या अपने महल बड़े बनवा ले, या अपने मंदिर बड़े बनवा ले, समझ आ रहा है, तो ये गोपुरम इसीलिए बनाया जाता था कि दूर से पता लग गया भाई ये तो सुरेश का गांव का मंदिर है, तो भाई ऐसे अपने घर भी तो बना सकते थे मंदिर भी, हाँ अरे तो मंदिर का भी तो घर तो सबको पता है, राजा का घर कहाँ छोटा होता था, ये तो दिल वाली बात होगी कि तुम्हारे प्रिय तुम्हारे लिए तो दिल हमेशा खुश है, राजा का घर तो राजा का घर कभी देखा दो कमरों का, कितना भी गरीब राज्य हो उसके राजा का घर 5 स्टार होता है, ठीक है इसके आगे क्या लिखा है, एडवोकेट काजल मिश्रा, काजल मिश्रा पढ़ते कार्ड यहां पर पढ़ाते, काजल का नंबर है इधर पे, अगर कॉल मिला के पूछो क्या बात है, बोलो पढ़ा तुम भी से।
सुनो ये पता लग गया क्यों मंदिर का निर्माण कराया, क्यों गोपुरम, ये बहुत बढ़िया लॉजिक है यार इसके। ये तुम्हारे जो क्वेश्चन कोई भी आएगा लिख सकते हैं विजयनगर से, तो इसके ऊपर कहानी भर भर के तुम पेज भर सकते हो। ये भी लिख सकते हैं जिसका मंदिर सबसे बड़ा हो वो शक्तिशाली होता हो। दो तरह के लोग होंगे, जो गोपुरम को खाली गोपुरम बोल के एक लाइन में लिख के खत्म कर देगा, और एक आदमी गोपुरम पे इतिहास लिख देगा, अच्छा गोपुरम की हाइट के बारे में लिखेंगे। गोपुरम बहुत ऊंचा होता था कि लोग ऊपर से भटकाने चला ले। गोपुरम इतने विशाल होते थे कि दूसरे राजा देख के चढ़ जाते थे, मतलब भी उनकी शक्ति का पता लगता था। गोपुरम में उनकी कलाकृति का पता लगता था कि लोगों के इतिहास के बारे में पता लगता था, और लिखा भी होता था जिससे उनकी भाषा का पता लगता। तुम क्या क्या नहीं लिख सकते यार, एक गोपुरम में पूरा विजयनगर निकाल दो, लेकिन दिमाग होगा तो आंसर बनाने का तरीका होता है, कुछ ना आता हो केवल गोपुरम के बारे में पता है तुम्हें। गोपुरम में मूर्ति बनी होगी, महिला की बनी थी, पुरुष की बनी थी, एक तो यह आ गया। और महिला का अब तुम समाज को निकाल दो इसमें से कि महिलाओं की मूर्ति बनी थी, मतलब वहां पे विजयनगर में महिलाओं का समान था है ना, और महिलाओं की चार हाथ की मूर्ति बनी है, मतलब चार हाथ है किसी महिलाओं का, एक मूर्ति में ऐसे नहीं पता तब भी लिख दो, ऐसा मत लिखना कि फोन चलाती हुई है, वो तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये लिख सकते हो कि विजयनगर में जो मूर्तियां बनी है उसमें महिलाओं के पांच हाथ चार हाथ दिखा रखा, जिसका मतलब देवी का प्रतीक है। क्या गलत बता रहा हूँ, कोई बंदा विश्वास कर लेगा, ये तरीका होता है, किसी को नहीं पता क्या है। टीचर कौन सा एक बुक लेके बैठा तुम्हारे साथ पेपर चेक करने के लिए, टीचर देखता है बस बच्चे ने क्या दे रखा, कितने अच्छे से रखा, समझ आ रहा है, ये वीडियो टीचर के पास नहीं जानी चाहिए, तो कुछ जरूर जाए, समझ आ रहा है। आंसर लिखने का तरीका एक से बहुत कुछ बना देना, ठीक है। उसने अपनी माँ के नाम पे विजयनगर के समीप नगरपुरम बनाया, ठीक है। किशन देव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव आने लगा। अब किशन देव राय कौन से वंश का था, तुलु वंश का, दुआर से बोलो वंश का नाम, संगम तुलु सुलु संगम सुलु, अच्छा एस एस टी अब आज हो जाएगा, कितना बढ़िया एस टी 10 रुपए लूंगा इसके, अच्छा मैंने निकाला है दिमाग में आया था किसी के, एस एस टी अब भूल सकता है, एस एस टी तो सब्जेक्ट पता है ना, दसवीं तक एस एस टी कितने वंश थे, एस एस टी, अरे क्या बात है, तो मेरे को मैंने कभी पहले नहीं पता था, आज पता लगी, लेकिन मैंने निकाला यार, ये मेरा पेटेंट हो चुका है, ये बताओगे इसके बाद भी वंश है, ये तो लास्ट था ना, जब ये पेपर में आएगा ना याद नहीं आ रहा सा क्या था संज्ञा, शंकर नहीं संगम वैसे बोलोगे नहीं, एस एस टी कोड क्या है, एस एस टी, ठीक है। अरे क्या बात, इसमें 10 एक्स्ट्रा, हकीकत में मजाक नहीं कर रहा, अगली बार जाती चीजें बताऊंगा, पहले से रख लूंगा खुल लूंगा, अरबी तो उसके बाद आएगा। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राज के ढांचे में तनाव आया। अब मैंने बताया हमेशा से इतिहास में देखा गया, जैसे औरंगजेब क्या था, फुल बदमाश शासक था, तो अंग्रेज थे उस साइड, अंग्रेजों को लगभग 100 साल के करीब नहीं 70-80 साल हो गए थे, किस समय, औरंगजेब के समय, औरंगजेब 1707 में मरता है, और औरंगजेब जब तक था ना किसी की हिम्मत नहीं थी कि फालतू में व्यापार कर ले, भैया भैया कुड़ी दो कुड़ी ऐसे करके मांगते थे, जैसे ही औरंगजेब गया लल्लू आ गए, फरुख सियार आ गया, एक इंजेक्शन लगा दिया उसको, दस्तक दे दी उठा के, बताया था मैंने उसको, ये देखो ये मेरे साथ क्या भैया क्या बताया था आपने, 11th क्लास में वो, और एक दिन के बाद आया था, तुमसे तो उम्मीद करता हूँ सुअर हो, कितनी बार बता चुका हूँ, उसका नाम बता दे क्या बता रहे भाई, औरंगजेब के बाद जो लल्लू आए थे मुगल साम्राज्य में, इसीलिए तो केवल औरंगजेब थोड़ी था लास्ट मुगल साम्राज्य में, बहादुर शाह जफर द्वितीय है, लास्ट मुगल था 1857 में, 1857 और 1707 में औरंगजेब मरा है, और उसके आगे के लोग कब मरे, मतलब कौन सा आखिरी था 1857 में, तो बीच में कितने सारे दिन हो गए, मतलब कितने साल हो गए, यहाँ से पूरे 100 साल, वहां से 57 साल, सोचो सीरियस 150 साल में क्या कोई नहीं था, लेकिन वो सब लल्लू थे, उनकी बस की कुछ नहीं थी, जैसे फरुख सियार था, उसने क्या करा था, बीमार पड़ा था, उसका इलाज कर दिया किसी अंग्रेज ने, उसने दस्तक दे दी, दस्तक क्या थी पता है, फ्री ट्रेड का पास था दस्तक, जैसे मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि रूम में आने के लिए अब सही आई कार्ड लगेगा, बाहर पे गेट पे उसको खड़ा था, वो हर जगह यही दिखाता फिर रहा था, वो यही दिखा, वो नहीं दिखाते फिर रहा था, फरीब सियार नहीं दिया था वो दस्तक, अंग्रेज दिखाते फिर रहे थे, लल्लू मतलब एक इंजेक्शन लगा सही कर, इंजेक्शन नहीं था जो भी था सही करते, तो दस्तक दे देगा, और वो मजे लेने लग गए अंग्रेज, अब टैक्स नहीं भरना था उनको, तो जो व्यापार करते थे और उसके अलावा अपने पर्सनल व्यापार भी करने लगे, है वो बस ये बात नहीं करते, सब लोग आ गए है, जब तक सामने नहीं देखेंगे तब तक कैसे पता लगेगा, बस वहां बैठ जाओ, ठीक है, कल ही बोला था मैंने सामने आ जाए, देखो तो 1529 में उनकी मृत्यु के बाद राजकीय ढांचा में लड़ाई होने लगी, अब यार
मेरे लड़के होंगे वही प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, पापा की प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, कहीं लड़के नहीं हुए तो दिक्कत, मतलब वो लड़के हाँ जो की है, मैंने क्या बोला ओके गाँव में उनके बाद गाँव की, दिल्ली में होंगे उनके लड़के, गांव वाले गांव के प्रॉपर्टी लेंगे। बताओ कैसे पापा अपने बच्चों की याद भी नहीं आती। सीने पे पत्थर रखे उन्हें किसान बना रहा हूँ देश के लिए, समझ आ रहा? ये मत कर, तू कुछ नहीं कर पाएगी, वो ना गेहूं बेच के लाखों रुपए कमा लेंगे, तू लोहा काट पता उन्हें भी आतंकवादी बोल के अंदर नहीं गया, अब किस लिए चिंता भाई, ये देखो क्या बोल रहा है, चिंटू पिंटू पे आरोप 1542 तक सुनो 1542, अरे उन्हीं का सरनेम है, सरनेम नहीं मतलब बैट नेम है, बाबू सोना कुछ क्या देखा, सुनो 1542 तक केंद्र पर अरविंद वंश का नियंत्रण स्थापित हो गया और 17वीं शताब्दी के अंत तक इस वंश का नियंत्रण बना रहा, ठीक है, इसके बाद कौन आए, अरविंदु, अरविंदु ठीक है, तो वंशों के नाम पता लग गए, कौन कौन से वंश बोलना होगा तो ASST याद करने का तरीका है, ASST कैसे बच जाते अब भूलोगे नहीं, ए से कौन अरविंदु, अरविंदु ठीक है, और ए से कौन अरविंदी से कौन रुपए हो गए 10 में से सस्ता, हाँ ये भी सही है भाई, सस्ता सस्ता ससुर से तुरंत अंकल तलाक के वक्त लड़कियां ससुर से तुरंत अंकल, ए अंकल जी थोड़ी बुद्धि का थोड़े गोड्डा बीच है, जब मैं कह रहा मैंने याद करना सुलू वंश, जब वो कह रही उन्होंने पढ़ना है तो किसी के बीच में किसका डायलॉग है, शाहिद कपूर का आप ही का, शाहिद कपूर का उसका किसका, कबीर सिंह, कबीरा सिंह का है, ठीक है समझ आए, तो कितने वंश आ गए, 4 वंश आ गए, उसके बाद तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, गर्दन पकड़ ली, उसके बाद ठीक है चलो बाय बाय।